आप लोगों की काफी डिमांड के बाद ये क्रूड ऑयल की वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीएक्स क्रूड पे और नाइमेक्स पे जो क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल, उस पे भी डिस्कशन करेंगे। बाजार में ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है, डेली चार्ट्स पे भी, आर्ली चार्ट्स पे भी और 15 मिनट के चार्ट पे भी ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश है। जो मिडिल ईस्ट में टेंशन पिछले कुछ महीनों से चलती हुई आ रही है वो एज इट इज बाजार में है, जिसका सपोर्ट आपने देखा क्रूड ऑयल और गोल्ड प्राइसेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और आने वाले समय में ऐसा अनुमान जताया जा रहा है हो सकता है ये और हाई लगाते हुए नजर आए। बट आपको अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंटरडे सेंटिमेंट थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस हफ्ते आएंगे इन्फ्लेशन के आंकड़े, उसका भी इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस पे मेजरली पड़ता हुआ दिखाई देगा। वेडनेसडे को वो आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे और मार्च वाली फेड की मिनट्स भी आती हुई आपको दिखाई देंगी वेडनेसडे को। थर्सडे को चाइना के कुछ आंकड़े आने वाले हैं, ठीक है, उस पर भी आपको निगाह बना के रखनी है बाजार में, उस टाइप से फिर आप प्राइस एक्शन प्ले कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको मिल सके आपके मोबाइल तक। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एमसीएक्स क्रूड ऑयल की। एमसीएक्स क्रूड ऑयल कहाँ खड़ा है अभी फिलहाल? जो ट्रेडिंग कर रहा है एमसीएक्स क्रूड ऑयल, अगर आप देखें 7209 के आसपास ट्रेडिंग हो रही है, और डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलूँ तो बाजार ओवरऑल क्लियर कट हायर राइज फॉर्मेशन अप ट्रेंड में, हायर लोस फॉर्मेशन। 2 आर के चार्ट पे बात करें, 2 आर के चार्ट पे भी कोई लोअर लोस फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, बाजार ऊपर से गिरा और सपोर्ट लेके दोबारा यहाँ पे हैमर बना के, हैमर बनाया उठ रहा है, हैमर बनाया उठ रहा है, यहाँ पे ये विक बनाया, यहाँ हैमर दोबारा बना दिया और आज गैप अप ऊपर। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट 7130 का सपोर्ट लगता हुआ बाजार में निकल के आ रहा है, और मेजर सपोर्ट 7073 का है। तो ये लेवल आपको पता होने चाहिए, बाजार गिरता है तो हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया 7073 एक मेजर सपोर्ट बाजार का। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी, डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने ड्रॉ भी कर रखी है। बाजार ने कोशिश तो करी इसके नीचे जाने की बट जा नहीं पाया, आपने ध्यान से देखा। जब भी इस लेवल के नीचे जाएगा एक बड़ी सेलिंग यहाँ से देखने को आपको मिल सकती है। देखो वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप समझ के ट्रेड करेंगे तभी पैसा बनेगा, सीख के ट्रेड करेंगे। एडवाइजरी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए हमेशा के लिए, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं कराते, आप अपना रिस्क खुद मैनेज कर सकते हो, वो भी सही प्राइस एक्शन अगर आपको आता है, सही सेटअप आपके पास है, ठीक है। तो आपको पता है आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ठीक है, तो अपने अनुसार आपको रिस्क मैनेज करना है। तो समझ के ट्रेड करें, जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, आज रात 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है मेरे साथ में। कमोडिटी मास्टरी प्रोग्राम एडवांस से ऊपर का प्रोग्राम है, जिसमें आपको 3 कोर्सेज सिखाए जाते हैं प्रॉपर तरीके से। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या वीकनेस आ सकती है, बाजार आप देखो कितना बड़ा फॉल बाजार ने यहाँ से दिया, नीचे तक आया, ठीक है। उसके बाद आप देखो बाजार आज गैप अप अगेन ओपन हो गया, नीचे आने की कोशिश कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो कोई मोमेंटम अभी क्लियर कट यहाँ से नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिल सकती है बाजार इस डॉटेड लाइन के नीचे अगर चलता है तो। अब वो डॉटेड लाइन क्या है, आप मोटा मोटा मान के चलो यहाँ से 7200 के नीचे अगर बाजार सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग साइड मिल सकती है। बाजार कहाँ तक आ जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट बाजार का 7155 7127, ये सपोर्ट बाजार के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सपोर्ट दिखाई देगा बाजार में 7073 का, 7073 का एक सपोर्ट बाजार में दिखाई देगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सपोर्ट बाजार में दिखाई दे सकते हैं। अब तेजी कहाँ करें बाजार में, देखो तेजी करनी है तो डब्ल्यूटीआई ऑयल का आप चार्ट देख सकते हो, मैं तो यही बोलूंगा आप इसी चार्ट को देख के ट्रेड किया करो, क्योंकि क्योंकि ये चार्ट थोड़ा परफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि बाजार बंद हो जाता है अपना रात में, मार्केट वहां पर खुला रहता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में, तो डब्ल्यूटीआई तो प्रॉपर तरीके से चल ही रहा है, ठीक है, बिना गैप अप गैप डाउन के, कभी कभार की बात दूसरी है। तो अब यहाँ पे आप उसे देख के ट्रेड करोगे तो ज्यादा सही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ना बुलिश बना बियरिश बना, एक बार को हाई ब्रेक करता है तो छोटा मोटा मोमेंटम मिल जाएगा आपको 7273 तक का।
बट बड़ी तेजी बाजार में कहाँ आएगी? देखो, बड़ी तेजी अगर आपको प्लान करनी है तो इस लेवल के ऊपर प्राइस एक्शन बनता है 7233 के ऊपर, तभी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कॉल साइड या फ्यूचर बाय करने की अपॉर्चुनिटी। ऊपर की तरफ हर्डल बाजार का 7280 रहेगा, बाजार में 7280 रुपए का एक ये लेवल रहेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो बाजार ने गैप पूरी तरीके से फिल ये यहाँ पे नहीं करा। मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे देखो क्या पोजीशन है, ठीक है? तो 7280 एक बार ब्रेक होता है तो बाजार फिर नए हाई लगाता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट रेसिस्टेंस बाजार का बनेगा लगभग 7380 के आसपास, ठीक है? और ये आप डेली चार्ट देख के निकाल सकते हो, ये मैंने डेली चार्ट देख के निकाला है, अभी फिलहाल 1 आवर का चार्ट लगा रखा है। तो मेजर सपोर्ट बाजार ने, यहाँ से बाजार ने एक रैली पकड़ी इस जगह, एक सपोर्ट बाजार का यहाँ है। अगर आपको इस रेंज में मिल जाता है इस हफ्ते तो एक अपॉर्चुनिटी इस रेंज में 7073 के आसपास आपको मिल सकती है। 15 मिनट के चार्ट पे चलूं तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी इस रेट के नीचे आपको मिल सकती है, 7200 के नीचे एक बार को बाजार उतरता है तो। ओवरऑल सेंटिमेंट बुलिश, न्यूज को मिडिल ईस्ट टेंशन को देखते हुए, आंकड़े आने वाले हैं कल को इन्फ्लेशन पे, उन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, चाहे आप किसी भी कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। चलते हैं नाइमेक्स पे। आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल किस डायरेक्शन बंद होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ मुझे, और कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे हमने लगा रखा है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे देखो अगर आप ध्यान से, बाजार खिसक रहा है ऊपरी लेवल से, खिसका बाजार विक बना के इसी लेवल के आसपास से बाजार ने खिसका इस जगह से, देन अगेन दोबारा यहाँ पे इस रेंज में आया, गिर रहा है, दोबारा कोशिश कर रहा है, फिर यहीं से बाजार उतर रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं सेंटिमेंट थोड़े से, डिमांड नहीं आ पा रही $87 के ऊपर, यहाँ डिमांड यहाँ पे नहीं आ पा रही, ठीक है? अब ऐसी डिमांड का फायदा नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो वॉल्यूम भी कितना डल हो चुका। अब इस जगह देखो कितना अच्छा वॉल्यूम था, बाजार गिरा तो आया, गोड़ा तो गया ऊपर। तो बाजार ने ये जो रेंज बनाई है, ये वाली जो रेंज बनाई है, इस रेंज के नीचे अगर बाजार उतरता है, कौन सी रेंज है ये? रेंज आपकी नीचे की तरफ मिल जाएगी 86.45। 86.45 के नीचे बाजार क्रूड ऑयल प्राइस एक्शन बना के नीचे उतरता है तो सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट बाजार के क्या रहेंगे? एक छोटा मोटा सपोर्ट ये भी 86.15, बट मेरे अकॉर्डिंग 85.60 का एक अच्छा सपोर्ट है। इस लेवल के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, अगर वहां पे बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो भी एक M6 में ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ये लेवल सब आप सीखते हैं प्रॉपर तरीके से, जब आप सीखना चालू करते हैं ये लेवल्स निकालना भी। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसके बाद क्या रहेगा? अगर सपोज ये लेवल भी ब्रेक कर देता है किसी ना किसी निगेटिव न्यूज की वजह से, वो तभी करेगा कोई निगेटिव न्यूज बाजार में होगी, ठीक है? वो न्यूज का भी एनालिसिस आप प्रॉपर तरीके से, आपको आना चाहिए कहाँ से देखनी है, कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि केवल चार्ट देख के आप पैसा नहीं बना सकते बाजार में। देन उसके बाद सपोर्ट रहेगा 84.87 सेंट्स के आसपास, ठीक है? तेजी बाजार में कहाँ करें? बाजार में इस जगह तेजी एक बन सकती है, बाजार में एक तेजी की अपॉर्चुनिटी यहाँ भी बन सकती है। स्टॉप लॉस लेके करें कोई भी, अगेन बाय सेल की मेरी रिकमेंडेशन नहीं, प्राइस एक्शन बन रहा है तब एक ट्रेड बनेगा। तेजी कहाँ करें? $87 के ऊपर निकलता है तो एक तेजी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको $87 के ऊपर। ऊपर की तरफ नेक्स्ट रेजिस्टेंस 87.50 और $88 के निकल के आते हैं। बाजार अगर $88 भी तोड़ता है तो आने वाले दिनों में $90 तक भी आपको जा सकता है, और $90 के आपको दर्शन हो जाएंगे बाजार में, जिस टाइप से मिडिल ईस्ट टेंशन बाजार में चल रही है। आई होप ये लेवल्स आपको क्लियर हो गए। वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, पॉज करके जो लेवल्स मैंने बताए हैं काफी हार्ड वर्क रिसर्च के बाद निकाले जाते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rap.